इन दिनों सिर्फ विवादित बयान ही नहीं बल्कि उनके बोल इस कदर बिगड़ रहे कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हाल ही में अभिनेत्री ने 1947 की आजादी को भीख बताया था और अब उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा और चालाक बताया। कंगना ने कहा उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। भाजपा के विधायकों ने ममता सरकार की ओर से लाए गए प्रस्ताव का विरोध किया। पंजाब के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव के पक्ष में 112 और विरोध में 63 वोट पड़े। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर हुई इमरजेंसी मीटिंग में तय किए गए उपायों को तुरंत अमल में लाना होगा। इसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेज को अगले आदेश तक बंद कर दिया। शिक्षा संस्थानों में कोविड लॉकडाउन के जैसे ऑनलाइन मोड में पढ़ाई होगी। ऑफिस में 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। साथ ही 21 नवम्बर तक कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई। बीते साल तक दक्षिण भारत तक सिमटा जीका वायरस अब उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कानपुर में 57 साल के एयरफोर्स अधिकारी में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। तब से अब तक 135 संक्रमित मिल चुके। देश ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये पहली बार हुआ जब फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या एक खुराक लेने वालों से अधिक हो गई। कोविन डैशबोर्ड के डेटा के मुताबिक कोरोना टीके की अब तक 113 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाई जा चुकी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 20 हजार मामले। देश में बीते 24 घंटे में 10,197 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 11,971 मरीज रिकवर। इस दौरान 301 लोगों ने गवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25,50,00,000। महामारी से अब तक 48,00,000 से ज्यादा की मौत। 7,54,00,00,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड से बाहर हुई टीम इंडिया आज टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू सीरीज के पहले मुकाबले में उतरेगी। भारतीय टीम नए कप्तान रोहित शर्मा और नए कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में खेलेगी। साथ ही कई प्रमुख खिलाड़ी टीम से हुए बाहर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 13वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। 12 दिन के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के 3रे दिन गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 251.15 अंकों की गिरावट के साथ 60,071.22 के स्तर पर खुला।